एक्सप्रेस न्यूज़ पर अभी 3 to 5 न्यूज़ शो का आगाज करते हैं। मैं हूं आयशा सुहेल और मैं हूं मोहम्मद अस्मचानी। अहम खबरें आप देख चुके हैं अब तक की। सबसे अहम खबर लोअर दिल में जो बम धमाका हुआ, इसी पर सबसे पहले हम तफसील में बात करते हैं। लोअर दिल में बम धमाके से 9 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 3 गैर मुल्की, 5 तालिबात और 1 FC अहलकार शामिल है। जख्मियों की हालत के हवाले से और अब इस वाकये के बाद की सूरत हाल वहां पर क्या है? हाँ जैमी, इस वक्त मैं थेमरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर डॉक्टर जी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जख्मियों की तादाद अब बढ़कर 115 हो गई है, जबकि उनका ये कहना था कि 3 डेड बॉडियां जो है ना हमने यहाँ पर रिसीव कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर 2 जख्मी जो है ना वो पिशावर, इनकी हालत नाजुक थी तो उसको पिशावर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद जख्मियों को लाया जा रहा है। यहाँ पर जैमी तकरीबन ये जो 115 जख्मी है इसमें ज्यादातर जो स्कूल के जो गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल कोटो के करीब ये धमाका हुआ था, इसमें ज्यादातर वो बच्चियां है जो स्कूल के बच्चियां थी उसकी ज्यादातर उनका तादाद उनमें है। बाकी आम शहर जो बाकी पांच जो बच्चियां है वो भी जान बहक है। इसके अलावा 2-1 FC एहलकार है और 3 जो गैर मुल्की है जान बहक होने वाले में शामिल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खुदकश बम धमाका जो रिमोट कंट्रोल बम धमाका था उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम काफी सख्त कर दिए गए हैं। इलाके को घेरे में लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, इमदादी कार्रवाइयां भी जारी है। यहाँ पर अस्पताल में इस वक्त थेमरगढ़ में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी डॉक्टर उसूद जी हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि यहाँ पर तमाम सहूलियत मौजूद है और तमाम जो जख्मी आने वाले हैं उनको हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। जो भी मतलब जो मामूली जख्मी थे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है और जो भी सीरियस है या जो मतलब अस्पताल के लायक है उनको मतलब यहाँ पर एडमिट कर दिया गया है। अच्छा शेरजादा, पहले जख्मियों की तादाद 70 बताई जा रही थी, जख्मियों की तादाद बढ़ गई है, हलाक होने वालों की तादाद अब तक कितनी है? आयशा, यहाँ पर जख्मियों की तादाद जो है ना वो 115 है अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, जबकि जब भाग होने वालों के अपराध की तादाद जो है ना वो 9 है, जिसमें 3 गैर मुल्की और 5 जो हाई स्कूल गर्ल हाई स्कूल जो कोटो के है उसमें है और 1 FC एहलकार है, तो 9 तादाद है अब तक जो है ना। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि जो 2 जो जख्मी है उनको अस्पताल रिफर कर दिया गया, तिब्बी इमदाद यहाँ पर फराहम कर दी गई थी और अब भी इनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। इनकी हालत नाजुक है, यहाँ पर जितने भी जख्मी हैं इनकी हालत जो है ना वो खतरे से बाहर है और उनको इलाज मुआलजा फराहम किया। शेरजादा, ये जो 3 गैर मुल्की हैं इनकी निशानदेही हो सकी, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? और खासतौर पर जो एक्सप्रेस न्यूज के हमारे रिपोर्टर हैं अमजद अली शाह, वो भी जख्मी हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? अमजद अली शाह की हालत जो है ना वो खतरे से बाहर है, उनसे हमारी बात हुई तो वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल हालत में है, अब मतलब खतरे से वो बाहर है। इसके अलावा जो गैर मुल्की है 3, इनकी जो है ना वो USAID से इनका ताल्लुक है और वो भी एक NGO है, वहां पर स्कूल इफ्तिताह जो है इनके साथ वो जा रहे थे और वहां पर मतलब इनका जो इफ्तिताह का जो प्रोग्राम था वो भी इस कार्रवाई में शामिल थे। जी जामी।